नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मनीटी चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आप सभी के जीवन में खुशियों के दीप जलाए। दोस्तों, आज हम लोग 5 दीपावली धमाका शेयर्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि अगली दीपावली तक आपको बम्पर और धमाकेदार रिटर्न देंगे। और ये सभी काउंटर्स अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल रखते हैं। इन 5 काउंटर्स के बारे में आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिएगा, हम आपको बताएंगे कैसे आपको निवेश करना है। सो आप नाम नोट करते रहिएगा 5 काउंटर्स के बारे में। नंबर 1, जो पहला काउंटर है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये है स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज। ये केबल टेलीकॉम सेक्टर का स्टॉक है। स्पेशली इनका जो कोर बिजनेस है वो है ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग का। साथ ही साथ ये लोग नेटवर्किंग, स्मार्ट सिटीज पे भी काम करते हैं, टेलीकॉम इक्विपमेंट पे भी काम करते हैं। सो देयर आर डाइवर्सिफाइड बिजनेस, एंड स्पेशली जिस तरह से आगे का जो समय आ रहा है, डिजिटल वर्ल्ड, स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, स्टेशन पे वाईफाई लग रहे हैं, अगर ऑल ओवर द इंडिया देखा जाए तो ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाए जा रहे हैं, ठीक है। एवरीथिंग, सब कुछ इंटरनेट रिलेटेड, सब कुछ नेटवर्क से कनेक्ट किया जा रहा है। और इस तरह के काउंटर्स, चूंकि आने वाला जो वर्ड है नेटवर्किंग में बहुत ही ब्रॉडर स्कोप है, तो ये काउंटर आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। मुझे लगता है कि अगले एक साल में ये काउंटर आपको लगभग 550 रुपये के लेवल देगा अगली दीपावली तक। फिलहाल इस स्टॉक का प्राइस है 380 रुपये, एंड नेक्स्ट दीपावली आप इस काउंटर को लगभग 550 रुपये के लेवल के आसपास देखेंगे। फिलहाल 380 रुपये का ट्रेड कर रहा है काउंटर, और इसके जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो आप नोट करके रख सकते हैं। अगर हम लोग वीकली चार्ट की बात करते हैं, सॉरी मंथली चार्ट की बात करते हैं, क्योंकि हम एनुअली बात कर रहे हैं, 360 रुपीज़ इस काउंटर का बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल है, जो कि मंथली चार्ट्स पर है। और मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक ये काउंटर जरूर रेंज में ट्रेड करेगा, बट यहाँ से इसमें एक अच्छा मूव भी रहेगा बड़े लेवल पर। अगर 360 के नीचे मंथली क्लोजिंग आती है, देन डेफिनेटली काउंटर में आपको लोअर लेवल देखने को मिलेंगे, जहाँ पर जो पहला सपोर्ट लेवल आएगा काउंटर का, वो आएगा तकरीबन 310 रुपीज़ के आसपास का। तो आप ये नोट करके रख लीजिएगा मंथली चार्ट पर, जो कि लॉन्ग टर्म का व्यू अगर आप रखेंगे, तो जो इसका जो रजिस्टर सपोर्ट अभी फिलहाल जो फर्स्ट सपोर्ट है वो 360 रुपीज़ का पहला सपोर्ट है, और 360 अगर ब्रेक होता है जो नेक्स्ट सपोर्टेबल रहेगा वो रहेगा 310 का। तो ये दो लेवल्स आप नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वन ईयर का टारगेट रहेगा इसका 550 रुपीज़ का। सेकेंड काउंटर है रेडिको खेतान। ये बेवरेजेस एंड डिस्टिलरी सेक्टर का स्पेशली स्टॉक है, काउंटर है। हमने ऑलरेडी जो भी स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने फंडामेंटल्स के बारे में तो देख ही लिया है। टेक्निकल्स बताते हैं अभी हम लोग। अभी 401 के लेवल पर काउंटर ट्रेड कर रहा है, और जिस तरह से आने वाले 2 या 3 क्वार्टर तक इस कंपनी के लिए बहुत ही बेहद शानदार रह सकते हैं। इलेक्शंस का टाइम आ रहा है, जनरल इलेक्शंस भी है, 3 स्टेट्स में भी इलेक्शंस हैं, और ड्यूरिंग द इलेक्शंस जो जो कंजम्पशन होता है अल्कोहलिक सेक्टर के प्रोडक्ट्स का, उनका कंजम्पशन काफ़ी बढ़ जाता है, और यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का जो रेशियो देखने को मिलेगा वो मुझे लगेगा उसका शानदार खेल रहेगा। और यहाँ पर ये स्टॉक एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है आने वाले 1 साल के अंदर, जो भी नेक्स्ट दीपावली आएगी 2019 में टिल नवंबर, और आपको यहाँ से ये काउंटर लगभग 600 प्लस के लेवल्स डेफिनेटली दिखाने की क्षमता रखता है। यानी कि याद है 50% के अपमूव स्टिल इस काउंटर के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार रहेगा रेडिको खेतान। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर काउंटर के बारे में, मंथली चार्ट पर बात करते हैं, तो काउंटर में अगर हम लोग बहुत ही नीचे का मेजर सपोर्ट देखेंगे, तो यहाँ पर एक बहुत ही मेजर सपोर्ट जो काउंटर में आता है वो आता है लगभग 345 के आसपास का। तो 345 इज अ मेजर सपोर्ट लेवल ऑफ द रेडिको खेतान काउंटर। यानी कि आप 345 के स्टॉप लॉस, मंथली स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर में बने रह सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 550 to 600 इन द नेक्स्ट वन ईयर, यानी कि टिल नेक्स्ट दीपावली 2019 में। यहाँ पर जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा काउंटर का वो तकरीबन रहेगा लगभग 495 रुपीज़ का एक ब्रेकआउट लेवल है। एक बार 495 इसका क्रॉस हो जाता है, देन उसके ऊपर की जो क्लोजिंग आएगी मंथली चार्ट में, उसके बाद 495 आपका बड़ा मेजर सपोर्ट बन जाएगा इन रेडिको खेतान। तो रेडिको खेतान में जो नेक्स्ट वन ईयर का टारगेट रहेगा लगभग 600 का टारगेट रहेगा। उसके अलावा जो स्लैट टेक्नोलॉजी का वन ईयर का टारगेट रहेगा वो आपका तकरीबन 550 का टारगेट रहने वाला है। GNFC एट प्रेजेंट स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द 377 रुपीज़। फंडामेंटल्स आर टू गुड, और स्टॉक का जो करंट मजबूत सपोर्ट लेवल है
वो तकरीबन 330 रुपीस का सपोर्ट लेवल है। सो 330 रुपीस के मंथली सपोर्ट के साथ आप काउंटर में बने रह सकते हैं। जो फर्स्ट टारगेट आएगा काउंटर के अंदर, वो तकरीबन जो पहला रेजिस्टेंस लेवल आएगा 420 रुपीस का रहेगा। एक बार 420 क्रॉस करेगा देन काउंटर लगभग आपको 490 के आसपास लेके जाएगा। एंड फाइनली जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा काउंटर का, वो रहेगा तकरीबन 530 रुपीस का। सो नेक्स्ट मुझे लगता है कि यहाँ पर एटलीस्ट 530 रुपीस का लेवल आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा अगली दीपावली तक। और एक बार अगर 530 का लेवल इसने क्रॉस कर दिया देन 600 भी पॉसिबल लेवल्स हो सकते हैं जीएनएफसी के अंदर। सो ये तीन काउंटर्स हो गए। नेक्स्ट काउंटर आता है आपका जीएनएफसी, जो है वो फर्टिलाइजर सेक्टर का स्टॉक है, बेसिकली गुजरात बेस्ड कंपनी है, फर्टिलाइजर सेक्टर में ये अपने आप में एक लीडर काउंटर है। इसके अलावा आता है एस्कॉट्स, ये स्पेशली ऑटो ट्रैक्टर सेक्टर का काउंटर है और एस्कॉट्स के ट्रैक्टर्स की जो बिकवाली है वो काफ़ी अच्छी रहती है। अब सीज़न भी चल रहा है फिलहाल, अभी दीपावली में भी काफ़ी लोगों ने ट्रैक्टर्स की बाइंग करते हैं, बहुत सारे लोग अपना फंड जो कृषि के जो फार्मर्स होते हैं वो इकट्ठा रखते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और दीपावली के टाइम पर नए ट्रैक्टर्स खरीदते हैं, जहाँ पर उनकी जो सेल्स होती है वो बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ती है। सो उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो समय है, चूँकि जिस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे प्रमोशंस किए जा रहे हैं, जिस तरह से उन पर बहुत ज़्यादा कोर फोकस किया जा रहा है, सो जो एस्कॉट है वो स्पेशली ट्रैक्टर सेगमेंट में और प्लस जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो है उसमें ये लोग डील करते हैं, तो अगला एक साल इस कंपनी के लिए भी बेहद शानदार रह सकता है। काउंटर में मुझे लगता है अगले एक साल में ये काउंटर लगभग आपको 900 रुपये से 1000 रुपये तक के भी लेवल दिखाने की पूरी क्षमता रखता है। दोस्तों फिलहाल जो काउंटर का बड़ा मेजर सपोर्ट है मंथली चार्ट पर वो है तकरीबन 605 रुपीस का, यानी कि बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। 605 रुपए के मंथली सपोर्ट के साथ आप इस काउंटर में बने रह सकते हैं। फॉर द फर्स्ट टारगेट जो रहेगा काउंटर के अंदर, जो पहला जो बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है वो है 815 रुपए का, यानी कि यहाँ से आपको पहला लेवल मिलेगा 815 रुपए। एक बार 815 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाएगी देन आपको जो नेक्स्ट लेवल ऑफ टारगेट ये काउंटर देगा एस्कॉट्स, वो एक बार देगा 930 रुपीस का। एंड फाइनली काउंटर आपको लगभग 980 रुपए के आसपास लेके जाएगा, 980 से 1000। सो अगले एक साल का काउंटर का जो टारगेट रहेगा वो तकरीबन 900 रुपए से 1000 रुपए के बीच में रह सकता है एस्कॉट्स के अंदर, तो ये भी आपको बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, लगभग 50 से 60% की अपमूव के यहाँ से पूरी संभावना है। एंड नेक्स्ट काउंटर जो है नेक्स्ट काउंटर अशोक लेलैंड, ये LCV एंड SCV सेगमेंट का काउंटर है, मजबूत फंडामेंटल्स है, मजबूत ऑर्डर लाइन है, ऑर्डर बुक है और मजबूत कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ है। इस काउंटर में आपको किसी भी सूरत में हर गिरावट पर खरीदते रहना है, जब भी आपको डिप मिलता है आप खरीदिए, ये आने वाले समय का कभी भी एक बड़ा मोमेंट दे सकता है। आप सभी को याद होगा आयशर मोटर्स के बारे में अगर मैं आपको बात बताता हूँ, सो आयशर मोटर्स भी कोई इतना बड़ा काउंटर नहीं हुआ करता था, लगभग 2008 या 2009 के आसपास आयशर मोटर लगभग 800 रुपए के आसपास ट्रेड किया करता था। एंड उसके बाद वॉल्वो के साथ इनका टाइप हुआ आयशर मोटर्स का, एंड सडनली लगभग 35-36 हज़ार रुपये के आसपास का ये काउंटर पहुँच गया। अगले 10 साल में लगभग 2016 से 2017 के बीच में ये काउंटर लगभग 35 हज़ार के आसपास था, तो आप समझ सकते हैं कि एक टाइप के बाद ही काउंटर ने 800 रुपए से 35-36 हज़ार रुपए के लेवल दिखाए पर शेयर। सो ये स्टॉक भी अशोक लेलैंड भी बहुत सारे अदर कंपनीज के साथ टाइप्स कर रहा है और बिजनेस भी इनका ग्रो हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में ये कंपनी आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है कि इसका भी अगले 10 साल का जो फ्यूचर है बहुत ही बेहतरीन है। अगले एक साल में ये काउंटर यहाँ से लगभग 60% तक ये अपमूव दिखा सकता है, फिलहाल 120 का लेवल है अभी और मुझे लगता है 170 रुपीज़ तक ये काउंटर यहाँ से जाने की पूरी क्षमता रखता है। सो तकरीबन जो हम टारगेट पहला रखेंगे इसका 160 से लेकर 165 का टारगेट रहेगा अशोक लेलैंड का अगली दीपावली तक, और एक बार अगर उसने बिफोर दीपावली 160 के लेवल के ऊपर की मंथली क्लोजिंग दे दी देन डेफिनेटली दीपावली तक ये काउंटर आपको 180 रुपीस तक देखने को मिल सकता है, यानी कि सेम इस काउंटर में भी आपको 50% के रिटर्न देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों ये 5 काउंटर्स के बारे में हमने बात किया, बहुत ही बेहतरीन चार्ट्स हैं पांचों काउंटर के, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। सो आप इन काउंटर्स को हर डिप के साथ खरीदिए, छोटी छोटी क्वांटिटीज में खरीदिए, 50-100 शेयर्स आप खरीद के रख सकते हैं हर महीने के बेसिस पर और अगले एक साल में आपको बड़े बम्पर मुनाफे इन पांचों ही काउंटर्स में देखने को मिलेंगे। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे, कुछ और नए फंडामेंटल स्ट्रांग पिक्स के बारे में आपसे बात करेंगे अगली दीपावली के लिए, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, नमस्कार।